वेलकम बैक टू मशरूम बा बैंगरचाता द फाइनल स्टेप. अब मशरूम को हमको हैंग करना है, झुलाना है. फसल मेरा सब कुछ, मतलब सब कुछ जितना कार्यक्रम करना था मैं कर लिया. अब मेरे को जो भी बैग्स बनाने हैं वो भी बना दिया. अब क्या करूंगा, इसको झुलाऊंगा. तो झुलाऊंगा कैसे, तीन रस्सी ले लो सर. ठीक है, दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है ना. तो तीन रस्सी ले लो, दिखा दो यहाँ थोड़ा. तीन रस्सी ले लो, तीन रस्सी देखने. अब क्या करेंगे, इसमें हम झुलाएंगे. कैसे झुलाएंगे, तो पहले थोड़ा नीचे आ जाते हैं, नीचे दिखाओ. ये पीले नीचे पूरा टाइट मार दो. ठीक है, ये देख लो, ये पूरा यहाँ नीचे टाइट कर दो. तीन रस्सी ले सकते हो, नहीं तो चार भी ले सकते हो, आपके कंफर्टेबल के अनुसार. आप किस स्टाइल में आपको झुलाना है, आप उस कंफर्टेबल स्टाइल में आप झुला सकते हो. तो आप इसको ऐसे झुला दिए. ठीक है, झुलाने के बाद आप मशरूम का बैग आपको टांगना है. मशरूम नहीं आता, एक बैग, एक बैग नहीं आता. ठीक है, इस पे आपको अब मशरूम का बैग झुलाना है. तो यही फाइनल स्टेप है. इसके बाद तो फिर आपका पूरा कल्टीवेशन प्रोसेस स्टेप वाइज कंप्लीट हो जाता है. आप ऐसे झुला दिए. ठीक है, ये आप ऐसे झुला दिए. तो चार कंफर्टेबल, चार रस्सी भी ले सकते हो. मैं तीन रस्सी से काम चला रहा हूं. ठीक है, आप तीन रस्सी ऐसे लगा दो. ठीक है, ये कंफर्टेबल हो गया. अब क्या करना है, इसको एक रस्सी बांध देना ताकि ये ना ये गिरे नहीं. जैसे देखिए अभी बहुत बार गिर गया. तो ये मैं लूंगा एक रस्सी, ये इस तरह से मैं बांध लूंगा. ठीक है, इसको नीचे कर दूंगा ताकि क्या ये एक इसका बन जाए. अब फिर दूसरा सिलेंडर बॉक्स. मासु डायरेक्टर ने आया था. ठीक है, फिर दूसरा डाल दिया. ठीक है, फिर इसको बांधो. ठीक है, ठीक है, ये आपका दूसरा ऐसे फिर से टाइट करके बांधने में. फिर से सिलेंडर. महबूब सिलेंडर बैग लाने आया तो मशरूम बैग लाने.
ये हो गया, फिर एक रस्सी मान लो इधर। आप जितना आप हैंग कर सकते हो उतना हैंग कर लो, ठीक है। इस तरह से आपको सिलेंडर पूरा हैंग कर देना है, ठीक है। तो इस तरह से आप कितना चार दे सकते हो, पांच दे सकते हो, आपके अनुसार में आपके कितना हाइट है, कितना कैसा है, आप उस हिसाब में आप हैंग कर सकते हो, ठीक है। तो बाकी पूरा फॉर्म दिखा दो एक बार, ये लाइन फाइनली हम लोग का स्टेप वाइज कल्टीवेशन कंप्लीट हो गया है। बाकी कुछ भी प्रॉब्लम्स हो, मतलब कल्टीवेशन को लेकर, प्रॉब्लम्स को लेकर, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा नंबर दिया हुआ है, नहीं तो आप कमेंट्स कीजिए। मैं कमेंट्स का बहुत ट्राई करूंगा कि हम लोग अच्छे से आपको रिप्लाई करें। और सर हम लोग का यदि काम अच्छा लगे तो लाइक बटन जरूर दबाइएगा, अपने दोस्तों लोग को जरूर शेयर कीजिए जो ये बिजनेस स्टार्ट किए हैं और जो आगे ग्रोथ करना चाहते हैं, वो सब भी हम लोग से सलाह ले सकते हैं। और बाकी आपको कहीं पर भी सीड्स या कुछ भी का रिक्वायरमेंट्स हो और ये इस बिजनेस के साथ जुड़ना चाहते हो तो हम लोग के साथ कांटेक्ट कीजिए, हम लोग 24/7 सर्विस प्रोवाइड करेंगे। एंड बाकी एक ही बात हमेशा याद रखना कि मंजिल तो मिल ही जाएगी भटकते ही सही, पर उनका क्या होगा जो कभी घर से निकला ही नहीं। तो घर से निकलिए तभी आपको मंजिल दिखाई देगा। और बाकी मशरूम और बैंगन छाता को फेमस करने का पूरा क्रेडिट आप लोग को जाता है, बिकॉज आप नहीं सपोर्ट करोगे तो ये कभी पॉसिबल नहीं होगा। तो फिर मिलाऊंगा नेक्स्ट वीडियो के साथ, खुदा हाफिज। तो बंधुरा देखिए हमारे ठंडार मध्य हाटका ठंडार मध्य की मशरूम लगाल कत कष्ट किन्तु एंजॉय करे, ঠিক আছে। তাই আমাদের এই চাষটা যদি ভালো লাগে তাহলে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানাবেন, এবং আপনারা যদি নতুন ভাবে কোনো ভাবে পদ্ধতিতে চাষ লাগান সেটাও জানাবেন। তো একটা জিনিস মনে রাখবেন যে সাফল্য দুভাবে আসছে, কিভাবে খুব তাড়াতাড়ি শুরু করুন আর লং প্রসেসিং শুরু করুন, হাল ছাড়বেন না, হাল ছেড়ো না বন্ধু, শুধু কণ্ঠ ছেড়ো জোরে। তো জরুর मशरूम कल्टीवेशन आपको बहुत अच्छा लगा हो और अच्छा भी लगा हो, यदि घर के लिए भी आप मशरूम खाना चाहते हैं तो इस तरह लगाइए, और यदि अपने बिजनेस के लिए करना चाहते हैं तो ये वीडियो देख के भी कीजिए। बाकी आपको लाइफ टाइम हम लोग के साथ सपोर्ट मिलते रहेगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर दिया हुआ है, 24/7 देख के हम लोग के साथ कॉन्टेक्ट कीजिए, जुड़े हुए रहिए, हम लोग की कंपनी के साथ भी आप जुड़ सकते हैं। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा, सक्सेस पाने के दो ही तरीके हैं, एक तो बहुत जल्दी स्टार्ट कीजिए, मत सोचिए कि मैं बुढ़ापा में स्टार्ट करूंगा, और दूसरा है पूरा लॉन्ग टर्म के लिए स्टार्ट कीजिए, गोल बहुत बड़ा रखिए। तो फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।